अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स सेकंड ईयर फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर ट्वेल्व इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और आज हमने एनर्जी का एक नॉन ऐसा यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफाइन करना है और जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरम्यान में रिलेशंस डिस्कस करने हैं और कन्वर्जन फैक्टर्स डिस्कस करने हैं इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेज का कम्पेरिजन सो आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चैप्टर लेक्चर रीडू डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है इट इज नॉन एस आई यूनिट ऑफ एनर्जी इसके डिस्कशन से पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला डिराइवउट कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन है डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाय क्यू नॉट अगर आप इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करें तो क्यू नॉट इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्सप्रेशन बन जाएगा क्यू नॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू या फिर रीअरेंजमेंट कीजिए फार्मूला बन जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी ये हमारा आज का एक्सप्रेशन नंबर वन है अब हम यहां पे डिस्कस करते हैं एक प्रोटॉन एक्सेलरेटर किस तरह से काम करता है so, सो तो जिसके अंदर प्रोटॉन्स मौजूद हैं इस कंटेनर में प्रोटॉन्स कहां से आएंगे हाइड्रोजन एटम है जिसका न्यूक्लियस है और उसके गिर्द ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अगर आप इसको आयोनाइेशन एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाएगा और जो बाकी बचेगा वो होगा सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला प्रोटॉन प्रोटोन एच प्लस वन, वन एंड प्लस, वन होता है। so, इसका प्लस वन है इसका मैस नंबर वन है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो भी प्लस वन आ जाता है अब आप क्या करते हो इसके करीब एक सेट ऑफ प्लेट्स रखते हो इस तरह से इन प्लेट्स को आप नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर प्लेस करते हो एक्चुअली क्या किया जाता है कि यहाँ पे इस तरीके से एक बैटरी कनेक्ट की जाती है जो कि एक्सलेटिंग पोटेंशियल प्रोवाइड करती है इस प्रोटॉन को सो so, इससे क्या होता है इससे ये होता है कि प्रोटॉन यहाँ से इमर्ज आउट होने के बाद इन प्लेट्स तक आते हुए स्पीड गेन करता है और यहाँ पे एक प्लेट है जो कि शील्डिंग इफेक्ट के लिए है ताकि जो प्रोटॉन बाहर निकल जाए वो वापस बैकवर्ड अट्रैक्ट ना हो पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल दैट मीन्स एनोड से नेगेटिव टर्मिनल कैथोड की तरफ है यह टर्मिनल एनोड का है और यह टर्मिनल कैथोड का, का है सो so, जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी चीज़ को फॉल करवाया जाए तो वो फील्ड की डायरेक्शन में चलते हुए एनर्जी लूज करती है वैसे ही जब प्रोटॉन यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा और काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा इसी तरीके से हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेलेटर की या yes, स्पेसिफिकली हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन गन की इलेक्ट्रॉन गन किस तरह से काम करती है इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक ब्लॉक के जरिए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैथोड मेटैलिक प्लेट को इसके अंदर हमने फिलामेंट को इस तरीके से पास करवाया हुआ है इस मेटल के अंदर और ये फिलामेंट कनेक्टेड है किसी बैटरी के साथ सो so, बैटरी की वजह से इस फिलामेंट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है और करंट फ्लो करने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आयोनाइजेशन एनर्जी गेन कर रहे हैं और एटम से इमर्ज आउट हो रहे हैं आयोनाइेशन के बाद सो so, इस इमिशन को हम थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं क्या कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन और इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स इमर्ज आउट होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं उनको हम थर्मली इमेटेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट सेटअप होता है वो होती है यहां पे एक ग्रिड प्लेट ग्रिड प्लेट का क्या काम है कि वो यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल पे हो और वो इलेक्ट्रॉन्स को वापस इस कैथोड प्लेट के अंदर पुश करे लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेंटर में होंगे और एनफ एनर्जी कैरी करेंगे वो इस ग्रिड प्लेट से भी गुजर आएंगे और आगे क्या होगा? आगे क्या मौजूद होगा होगा एक सेट ऑफ प्लेट्स जिसका नाम क्या है जिसका नाम है एनोड एनोड प्लेट्स प्लेट्स सो ये प्लेट्स हैं और ये किस पोटेंशियल पे हैं पॉजिटिव पोटेंशियल पे हैं और ये कनेक्शन हमने किस तरह से बनाया कि हमने कैथोड को बैटरी के नेगेटिव और एनोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे वेरिएबल पोटेंशियल के लिए इस एरो को शो कर रहा हूँ आप जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमर्ज आउट होंगे तो वो नेगेटिव से रिपल्जन और पॉजिटिव से अट्रैक्शन की वजह से यहाँ तक आते हुए स्पीड गेन करेंगे उसके बाद इस जगह के ऊपर क्या मौजूद होगा इस जगह के ऊपर मौजूद होगा एक शील्डिंग इफेक्ट के लिए सेट ऑफ प्लेट्स सो इस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टन स्पीड से इमर्ज आउट होंगे इन दोनों केसेस में मैं डिस्कशन में आसानी के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है कैथोड और एनोड के लिए उसको वन वोल्ट कंसिडर कर रहा हूँ और इस केस के लिए पॉइंट टू बी नोटेड यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है सो इलेक्ट्रॉन बीइंग अ नेगेटिव चार्ज जब ये ट्रेवल करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ये काइनेटिक एनर्जी और स्पीड गेन करता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लूज करता है सो so हम यहाँ पे प्रोटोन की बात करें तो जो प्रोटोन का चार्ज है हम उसे प्लस वन ई e लिखेंगे या फिर प्लस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर माइनस नाइनटीन कुलम लिखेंगे और जब हम प्रोटॉन के लिए सॉल्व करेंगे तो उसके लिए उसका चार्ज माइनस वन ई e, या फिर टू पावर कूलम लिखेंगे अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो होता है वो होता है डेल्टा वी डेल्टा वी की बात करें तो यहाँ पे इस जगह के ऊपर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल रखा जाए तो जो फाइनल पोटेंशियल है वो क्या है वो नेगेटिव है और इनिशियल पोटेंशियल पॉजिटिव है नतीजा क्या आएगा कि जहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर होगा वो नेगेटिव होगा जबकि इस केस में जब देखा जाए तो जो डेल्टा वी है वो जब हम v फाइनल माइनस v इनिशियल लिखेंगे तो चूंकि फाइनल पोटेंशियल नेगेटिव है और इनिशियल पॉजिटिव है सो तो इस क्वांटिटी के पॉजिटिव और इस क्वांटिटी के नेगेटिव होने की वजह से जो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा वो क्या होगा वो पॉजिटिव होगा सो so, जब हम यहाँ पे डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा V का फार्मूला पुट करेंगे तो इस टर्म के नेगेटिव होने की वजह से ये टर्म क्या आएगी ये टर्म आएगी नेगेटिव जबकि इस फॉर्मूले में डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी में यह वाली टर्म तो पॉजिटिव है लेकिन क्यू नॉट नेगेटिव है इसलिए ये जो डेल्टा यू का फार्मूला है इसका आंसर आएगा नेगेटिव और यह जो नेगेटिव साइन है यह क्या रिप्रेजेंट करता है यह रिप्रेजेंट करता है लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसको रिप्रेजेंट करता है यह रिप्रेजेंट करता है लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को गुण अब हम यहां पे इस डिस्कशन से आगे चलते हुए इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं सो अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसकी स्टेटमेंट क्या है सम ऑफ ऑल द एनर्जीज या फिर एनर्जी चेंजेस इन अ सिस्टम आर इक्वल टू जीरो आई स्टार्ट फ्रॉम वन एंड गोज टू एन जितनी भी एनर्जीज हैं सब की बात की जाएगी तो यहां पे फर्दर इसको एक्सप्लैंड करके मैं लिख देता हूँ गेन इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू जीरो अब ऑब्वियसली यहां पर एक गेंद पॉजिटिव में है और दूसरा गेंद नेगेटिव में है और हमने यहां पे यह बात देखी कि दोनों केसेस में जो डेल्टा यू का आंसर है वो नेगेटिव आ रहा था और आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि ये जो गेन इन एनर्जी है, ये होता है? ये होता है टाइम इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के दैट मीनस अगर यहां पे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल और दूसरी तरफ यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिखा जाए तो दोनों केसेस में आंसर इक्वल आते हैं यहाँ पे अगेन पॉइंट टू भी नोटेड क्या है कि जब हम लॉस इन एनी टर्म लिखते हैं तो उसमें इनिशियल वैल्यू पहले और फाइनल बाद में लिखी जाती है लेकिन जब हम गेन की बात करते हैं तो फाइनल वैल्यू पहले और इनिशियल बाद में लिखी जाती है अब हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हुए प्रोटॉन या उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहे हैं इसलिए यू फाइनल जो है उसकी वैल्यू लेस होगी और जो इनिशियल की वैल्यू है वो क्या होगी वो होगी मोर या फिर ग्रेटर नतीजा क्या होगा कि यहाँ पे जो इस टर्म का आंसर है वो आएगा नेगेटिव और जब आप यहां पे इस जगह के ऊपर वैल्यू लिखोगे तो जो ये वैल्यू है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इसमें यू इनिशियल के ज्यादा होने की वजह से इस टर्म का आंसर आएगा पॉजिटिव और ब्रैकेट के बाहर क्या मौजूद है ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव मौजूद है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने के बाद ये वाला चेंज भी नेगेटिव हो जाएगा तो इस सारे डिस्कशन से हमने ये बात देखी कि जो गेन इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है अगर वो इस एक्सप्रेशन में उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव पुट की जाएगी और चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं और इस गेन की जगह पे हमने काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखना होता है तो चूंकि प्रोटॉन इनिशियली स्लो है और फाइनली उसकी स्पीड ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है सो तो इस टर्म का आंसर तो पॉजिटिव ही होगा लेकिन पहले टर्म का आंसर क्या होगा वो नेगेटिव होगा तो मैं नहीं चाहता कि यहां पे इस जगह के ऊपर इस टर्म का आंसर नेगेटिव आए तो इसके लिए क्या करते हैं इस गेन इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे हम एक टर्म पुट कर लेते हैं जिसका नाम क्या है इसका नाम है लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लेकिन जहरी बात है साथ माइनस साइन पुट करना पड़ेगा इससे हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा माइनस लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी

और दूसरी साइड पे जाके ये इक्वेशन पॉजिटिव हो जाएगी सो so, इक्वेशन बन जाएगी गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सो अगेन यहां पे हमने एक टर्म हासिल कर ली है जिसका पता है हमें कि इसका आंसर क्या आना है इसका आंसर पॉजिटिव आना है अब इस साइड का भी आंसर पॉजिटिव है और दूसरी साइड का आंसर भी पॉजिटिव है और यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन भी एग्जिस्ट नहीं करता अगर इस बात को मैथमेटिकली लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल अगेन यहाँ बताते चलू कि यहाँ पे गेन से मुराद है फाइनल माइनस इनिशियल और दूसरी तरफ जो लॉस है उससे मुराद है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल दोनों साइड्स के अब डिफरेंसेस के आंसर पॉजिटिव ही आएंगे फर्दर ये कि हम ये बात जानते हैं इक्वेशन नंबर वन से कि जो डेल्टा यू है उसका फॉर्मूला Q डेल्टा V होता है जब हम इसको यहां पे सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो डेल्टा के ई का जो आंसर है वो हो जाएगा Q डेल्टा V. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर टू इससे हमने मजीद आगे डिस्कशन करनी है लेकिन एक पॉइंट नोट करने का है वो ये कि अगर यहां पे हम Q नॉट लिखें या Q लिख लें कुछ भी लिख लें तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या है इट इज वी इनिशियल माइनस वी फाइनल सो so, जब एक प्रोटोन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फॉल करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो आप ये बात जानते हैं कि यहां पे पोटेंशियल हाई होता है और यहां पे पोटेंशियल लो होता है सो so, जब प्रोटॉन इनिशियल से फाइनल की तरफ जाता है तो इनिशियल माइनस फाइनल का आंसर क्या आता है वो प्लस में आता है लेट्स से प्लस ट्वेंटी वोल्ट है क्यों क्योंकि हमने क्या करना है हमने लिखना है प्लस टेन वोल्ट माइनस माइनस टेन वोल्ट सो नतीजा क्या होगा कि अब ये वाली टर्म पॉजिटिव है प्रोटोन के केस में यहां पर जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा लेकिन अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन की तो फिर क्या होगा जब हम यही डिस्कशन इलेक्ट्रॉन के केस के लिए देखते हैं तो क्या नतीजा निकलता है कि एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है इसका मतलब है उसके लिए ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट है और जो ये वाला पॉइंट है ये फाइनल पॉइंट है अब लेट से इनिशियल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल माइनस टेन वोल्ट है और फाइनल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल प्लस टेन वोल्ट है तो जब यहाँ पे आप वी इनिशियल माइनस वी फाइनल करेंगे तो ये बनेगा माइनस टेन वोल्ट माइनस फार्मूले में है और वी एफ की वैल्यू प्लस टेन वोल्ट है लेकिन आंसर हमारा कितना आता है वो आता है माइनस ट्वेंटी वोल्ट नतीजा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के केस में इस वाले टर्म का आंसर नेगेटिव आएगा और यहाँ पे चार्ज भी नेगेटिव पुट होगा तो ओवरऑल जो क्यू नॉट डेल्टा वी का आंसर है वो क्या होगा वो पॉजिटिव ही होगा सो लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का आंसर पॉजिटिव होगा तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी का आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा अब हम यहाँ अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से एक केस डिस्कस कर लेते हैं हम ये कहते हैं कि लेट से एक प्रोटोन है जिसका चार्ज प्लस वन ई के बराबर है और वो प्लस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन कुलम चार्ज कैरी करता है और उसको एक्सेलरेट करने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है वो कितना है वो प्लस वन वोल्ट है और इसके साथ साथ एक और बात भी हम कह सकते हैं कि लेट से ये चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन है माइनस वन ई इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज कैरी करता है इसका चार्ज एस SI आई में माइनस वन है और आंसर नेगेटिव निकाला हुआ है सो so, अब वो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा इसके लिए हम क्या करेंगे हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने यहां पे लिखा है क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है वो है प्रोटॉन के केस के लिए टू पावर कूलम और जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है वो कितना है वो प्लस वन वोल्ट अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे तो ये टर्म भी नेगेटिव हो जाएगी ये भी नेगेटिव हो जाएगी लेकिन उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आना है सो so, जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है उसका आंसर होगा 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन ब्रेज टू पावर माइनस नाइनटीन कुलम वोल्ट और ये जो वोल्ट है किसके बराबर होता है हम ये बात जानते हैं कि डेल्टा यू क्यू नॉट डेल्टा वी का फॉर्मुला बेसिक फार्मूला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए इसमें अगर चार्ज का यूनिट कुलम और पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट लिखा जाता था तो वह जूल के इक्वल होता था इस वजह से इस टर्म का जो कुलम और वोल्ट है इसका प्रोडक्ट भी जूल होगा और ये जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल के केस में ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए 1.6 पॉइंट सिक्स इन टू टेन बेस टू पावर माइनस नाइनटीन होगी ये हमारी इक्वेशन नंबर थ्री है अब हम यही बात एक और एंगल से डिस्कस करते हैं लेट्स ये जो काइनेटिक एनर्जी में गेन है और ये प्रोटॉन का केस वैल्यू पुट नहीं करता बल्कि अब मैं इसकी जगह पे सिर्फ ये प्लस वन ई e लिख देता हूं तो so, नतीजा क्या होगा यहाँ पे आंसर क्या आएगा वन ई टाइम्स वन वोल्ट या फिर वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगेन पॉइंट टू बी नोटेड अगर यहां पे हम इलेक्ट्रॉन की बात करते तो इधर माइनस का सिंबल आता और पोटेंशियल डिफरेंस भी नेगेटिव होता यहां पे भी माइनस का सिंबल आता तो अगेन आंसर पॉजिटिव ही आना था दोनों केसेस में सो so, यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ है वो कितना है वो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको इस तरह से लिख के डेल्टा के ई इज इक्वल टू वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे इक्वेजन नंबर फोर का नाम दे देते हैं अब हम ये बात जानते हैं कि जो इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर फोर में काइनेटिक एनर्जी में गेन का आंसर आया है वो दोनों एक ही गेन इन एनर्जी को एक्सप्रेस करने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं सो अगर यहां पे हम क्या कर ले हम लिखें कंपेयरिंग इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर तो इससे आंसर क्या होगा इससे आंसर होगा वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इस को का नाम दे दें अब लेट से अगर आपसे पूछा गया है कि में कितने जूल्स होते हैं तो आपने क्या करना है ये जो इक्वेशन गिवन है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर माइनस नाइनटीन जूल्स इसकी दोनों साइड्स को टेन से मल्टीप्लाई कर देना सो so, नतीजा क्या होगा आपको आंसर मिल जाएगा कि टेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है उसका मतलब होता है टू टू पावर पावर अगर आप डेसिमल एक पॉइंट पीछे ले आए तो ये बन जाएगा सो so, इस तरीके से आपको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू गिवन है तो आपने क्या करना है आपने टेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालने के लिए टेन से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है और दूसरी साइड को भी दैट मीनस आप क्या कर रहे हो आप इलेक्ट्रॉन की जगह पे उसके चार्ज की वैल्यू पुट कर रहे हो That means आप इसको अगर इस तरह करना चाहो है 10 का निकालना हमें तो टेन टाइम इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन और बाहर लिखा होगा वोल्ट अब ये जो कूलम इंटू वोल्ट है ये जूल के इक्वल होते हैं इस वजह से आंसर कितना होगा अगेन सिक्सटीन इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन वोल्ट या फिर टू पावर जूल्स तो इस तरीके से आपने अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है तो आपने सिंपली यहाँ पे ई e की वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेनी है आपने 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन से मल्टीप्लाई करना है अब अगेन जरा इक्वेशन नंबर फाइव की तरफ चलिए वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर माइनस नाइनटीन जूल्स होते हैं तो वन जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं उसके लिए क्या कीजिए कि जो आपको इक्वेशन गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू टू पावर दोनों को कर 10 19 से और इस तरफ भी यही काम कीजिए वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन से डिवाइड कर दीजिए सिमिलर टर्म्स कट जाएंगी और हमें ये बात पता चल जाएगी कि वन जूल किसके बराबर होता है वो वन ओवर टू पावर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है ये हमारी इक्वेशन नंबर है सिक्स और अगर मैं इस वाले टाइम को सॉल्व कर लू ये जो यहाँ पे टाइम लिखी हुई है अगर इसको सॉल्व कर लू तो जो आंसर होगा वो होगा वन जूल इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दावर एटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स दिस इज आवर इक्वेशन सिक्स बी सो so स्टूडेंट्स आप यहां पे जरा देख के बताइए कि ग्रेटर यूनिट कौन सा है आप देख सकते हैं कि एक लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का सेट मिलके वन जूल बनाता है इसका मतलब है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलके एक जूल बना रहे हैं इसका मतलब है ये जो जूल है जो ऐसा यूनिट है ये क्या है इट इज लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी जबकि जो ये वाली वैल्यू है इट इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी और ऑब्वियसली ये एक नॉन एस यूनिट है अब अगर आपसे कोई पूछे कि फाइव जूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं तो आपने क्या करना है आपने सिंपली इस इक्वेशन वन जूल इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेस्ट पावर एटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दोनों साइड को आपने क्या करना है आपने सिर्फ फाइव से मल्टीप्लाई करना है इस तरह से तो आपको पता चल जाएगा कि फाइव जूल किसके बराबर है ये है 31.25 वन पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेस्ट पावर एटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम कहें कि क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइव जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं तो हम ये बात जानते हैं कि हमने एक जूल की जगह पे क्या पुट करना है हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है वन जूल की जगह पे तो आप सिंपली इस जूल की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए क्या बन जाएगा ये बन जाएगा फाइव और जूल की जगह पे वन ओवर इलेक्ट्रॉन या फिर आप 1 जूल की जगह पे ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं एक ही आंसर आएगा तो आप लिख सकते हैं फाइव और जूल की जगह पे सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेज टू पावर एटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस केस में भी हमारा आंसर क्या होगा थर्टी वन पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेज टू पावर एटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा सो so, पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना होता है तो आप इस पूरी टर्म को जो भी वैल्यू दी गई है इसको 1.6 टू द पावर से डिवाइड कर लेते हो और आपका आंसर जो है वो किस में आ जाता है आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाता है सो so, इसका शॉर्टकट मेथड ये है कि अगर आपको एनर्जी जूल्स में दी गई है और आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तब्दील करनी है तो आप इसको 1.6 टू पावर जूल्स पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड कर दीजिए तो आपका जो आंसर है वो कितना होगा वो 31.25 वन पॉइंट इंटू टेन रेज टू पावर एटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होगा क्योंकि जूल जूल से कैंसिल आउट हो जाएगा और जो चीज डिनोमिनेटर से भी डिनोमिनेटर में होती है वो न्यूमिनेटर में आ जाती है और इसी तरीके से अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू गिवन है इस तरह से तो आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कीजिए इस वैल्यू थर्टी वन पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेज टू पावर एटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए टू माइनस नाइन जूल्स पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से सो so, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर अगेन कितना होगा फाइव जूल होगा सो so, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से नुमेरिकले डिवाइड करना होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में आने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से उस वैल्यू को न्यूमेरिकली मल्टीप्लाई करना होता है नेक्स्ट जो टर्म हमने एक्सप्लेन करनी है वो है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूजेस उन जगहों के ऊपर ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं जहाँ पे जो एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हैं वो बहुत बड़ी नहीं होती फॉर एग्जाम्पल एक अकेले केमिकल रिएक्शन की एनर्जी क्योंकि वो बहुत छोटी वैल्यू होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिस्क्राइब करना कन्वीनियंट है फिर उसके अलावा इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि किसी फील्ड के अगेंस्ट चार्ज को मूव करने से स्टोर होती है अगर चार्ज पॉजिटिव है तो और अगर चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने से स्टोर होती है इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल से क्या मुराद है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा सो उनकी काइनेटिक एनर्जीज जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करना कन्वीनियंट होता है इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जीज क्योंकि एक एक अकेले अकेले जो न्यूक्लियर रिएक्शन की एनर्जी है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं होती इसलिए आप उसको वन जूल भी नहीं कह सकते अगर जूल में एक्सप्रेस करना है तो आंसर फ्रैक्शन में आएगा किसी एक अकेले अकेले न्यूक्लियर रिएक्शन में इमर्ज होने वाली जो एनर्जी है जो रिलीज होने वाली होने वाली एनर्जी है वो चूंकि बहुत छोटी वैल्यू रखती है आप अगर उसको जूल में एक्सप्रेस करोगे तो एक बहुत छोटी फ्रैक्शनल वैल्यू बनेगी जीरो पॉइंट जीरो 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 समथिंग इसलिए बेहतर यही है कि आप उसको जूल में एक्सप्रेस करने के बजाय किसमें एक्सप्रेस करो आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करो फॉर एग्जाम्पल जो एक यूरेनियम 235 का एटम ब्रेक डाउन करता है तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है सो so, अगर देखने में आपको ये वैल्यू बहुत बड़ी लग रही है तो जब आप इसकी कन्वर्जन करोगे तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू होगी सो so, एग्जाम्पल के तौर पर इसकी भी कन्वर्जन कर लेते हैं अगर वैल्यू है टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मेगा प्रीफिक्स है उसकी जगह पे टेन डेज टू पावर सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा फिर आपने क्या करना है आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है वो 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर माइनस नाइनटीन जूल्स के बराबर होता है इसलिए जो आपका आंसर है वो क्या होगा आपका आंसर होगा 200 हंड्रेड इंटू टेन रेज टू पावर सिक्स इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर माइनस नाइनटीन जूल्स या फिर अगर आप टू को वन पॉइंट सिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर थ्री पॉइंट टू होगा और अगर अगले दो जीरो भी लगा दें तो थ्री ट्वेंटी बनेगा

तो 200 सौ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है जो एक यूरेनियम 235 के एटम के फिशन के नतीजे में जनरेट होती है तो वो अगर जूल में एक्सप्रेस करोगे तो एक बहुत ही छोटी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी इसलिए कन्वीनियंट है कि आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करो डेयर so स्टूडेंट्स इस सारे डिस्कशन के बाद अब हम डिफाइन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को दीवल टू वन पॉइंटीड और लॉस्ट बाई एन इलेक्ट्रॉन एज इटेजियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट दस वन ईवीवल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन डेज टू पार माइनस नाइनटीन यूल्स डेयर स्टूडेंट्स अब हम आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और उस टॉपिक का नाम क्या है उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस और इसमें हमने क्या करना है इसमें हमने कंपैरिजन करना है सो so, बुक ने ब्रैकेट के अंदर अ कंपैरिजन का वर्ड भी यूज किया है So, हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या लिखेंगे लेफ्ट साइड पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स को और उसके अलावा राइट साइड पे लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को तो so, किसी भी कंपैरिजन में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फार्मूलाज से सो so, जो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है वो है एफ ई इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वेर और जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका फार्मूला है एफ जी इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वेयर अब हम जरा इसकी सिमिलैरिटीज पे गौर करते हैं हम ये बात देख सकते हैं कि इसकी सिमिलैरिटी क्या है कि जो एफ ई है वो भी वन ओवर आर स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या आर स्क्वेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और जो एफ जी है ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी वन ओवर आर स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सो so, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या करती है वो इनवर्स स्क्वेयर ला को फॉलो करती है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वो भी इनवर्स स्क्वेयर ला को फॉलो करती है इनवर्स स्क्वेयर ला क्या है कि अगर आप दो मैसेज का दरमियानी फासला डबल कर दोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स चार गुना कम हो जाएगी और अगर आप डिस्टेंस हाफ कर दोगे तो ग्रेविटेशन फोर्स फोर टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी यही काम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ भी होता है और ये काम एक और टर्म के साथ भी होता है वो क्या है वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है वो डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स के स्क्र के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सो चूंकि लाइट भी थ्री डायमेंशन में ट्रैवल करती है एक पॉइंट सोर्स से जनरेट होकर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तमाम डायरेक्शन में सिफेरिकली ट्रेवल करती है सो so, वो भी इनवर्स स्क्र लॉ को फॉलो करती है और जो ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं ये भी क्योंकि स्पेस में थ्री में ट्रेवल करती हैं तमाम थ्री डायमेंशन एक्स वाई और जेड एक्सिस में ट्रैवल करती हैं तो ये भी इनवर्स स्क्र लॉ को ही फॉलो करती हैं इसके बाद जो हमने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है वो क्या है वो है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिमिलरली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी दो मैसेस के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सो so एक तरह से सिमिलैरिटीज है कि दोनों में प्रोडक्ट का टर्म यूज हो रही है सो so ये एक तरह से सिमिलैरिटी है कि दोनों के अंदर प्रोडक्ट के टर्म यूज हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या है वो प्रोडक्ट ऑफ टू मैसेज है अब हम इन फोर्सेज के ओरिजिन की तरफ चलते हैं ओरिजिन से क्या मुराद है कि ये दोनों फोर्सेज किस तरीके से बनती हैं और दोनों चार्जेस के फासले के ऊपर रहते हुए किस तरीके से एक्ट करती हैं दैट ये नॉन क्या है ऑरिजन को डिस्कस करने के लिए हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर सर्कुलर मोशन का लास्ट टॉपिक न्यूटन एंड आइंस्टाइन व्यू ऑफ ग्रेविटेशन को रिव्यू कर रहे हैं और उसके मुताबिक साइंटिस्ट आइजेक न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटली जो फार्मूला formula फॉर्मुलेट किया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए वो क्या था वो था जी एम वन एम टू ओवर आर स्क और इसी तरीके से जो चार्ल्स कूलम है उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला formula फॉर्मूलेट किया जो कि हम पढ़ चुके हैं एफ ई इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वेर लेकिन इन दोनों फार्मूलाज में सिर्फ ये बताया गया कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये किस मैग्नीट्यूड की होती हैं और किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं यह तो बताया ही नहीं कि इनका ओरिजिन क्या था फर्स्ट ईयर फिजिक्स में सिर्फ स्पेसिफिकली इसकी बात की गई थी लेकिन हम यहां बताए गए नॉलेज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर भी अप्लाई करेंगे कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है इट इज अट्रैक्टिव ऑनली मैसेज स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर में एक ही तरह का कर्वेचर बनाते हैं लेकिन जो चार्जेस हैं वो दो ऑपोजिट तरह के कर्वेचर बनाते हैं इसलिए ये जो कूलम्स फोर्स है ये क्या होती है ये अट्रैक्टिव के साथ साथ रिपल्सिव भी होती है नेक्स्ट अब हम यहाँ पे ये कंपेयर कर लेते हैं कि इन दोनों फोर्सेस में से स्ट्रॉगर फोर्स कौन सी है और वीकर फोर्स कौन सी है अगेन फार्मूला लिख रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वेयर और जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसका फॉर्मूला एफ जी इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर अब आपको पता है कि यहां पे जो कूलम कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू नाइन इंटू टेन टू पावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वायर होती है जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट है जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसकी वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन थ्री इंटू टेन पावर माइनस अलेवन न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है अब आप बाकी हर चीज को यूनिट पुट कर दीजिए दैट मींस q1 1 कूलम q2 1 कूलम इनके दरमियान में सेपरेशन 1 मीटर इसके अलावा मास m1 1 किलोग्राम मास m2 वो भी 1 किलोग्राम और स्पेसिंग कितनी है इनके दरमियान में वो भी है 1 मीटर की तो जरा आप इन फार्मूलास को सॉल्व कर लें ये बनेगा fe 9 10 टू द रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम इनटू वन कूलम इनटू वन कूलम ओवर वन मीटर स्क्वायर और जो दूसरा फॉर्मूला है वो बनेगा एफ इक्वल टू सिक्स इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस अलेवन न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वायर और साथ यहां पे मैस एम वन वन किलोग्राम मैस एम टू भी वन किलोग्राम और डिस्टेंस वन मीटर और उसका स्क्वेयर मौजूद है इन दोनों फार्मूलाज के अंदर सो मीटर स्क्वेयर मीटर स्क्वेयर से कट जाएगा कुलम स्क्वेयर इन दोनों कुलम से कट जाएगा यहाँ पे भी मीटर स्क्वेयर इस मीटर स्क्वेयर से कटेगा किलोग्राम स्क्वेयर इस किलोग्राम स्क्वेयर से कट जाएगा तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान में वो आएगी नाइन इंटू टेन रेज टू पावर नाइन न्यूटन की, की जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका आंसर होगा सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन थ्री इंटू टेन रेज टू पावर माइनस अलेवन न्यूटन्स तो जरा अब कंपेरिजन करके बताएं कौन सी फोर्स स्ट्रांगर है कौन सी फोर्स वीकर है तो हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि कंपैरेटिवली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट इज अ स्ट्रांगर फोर्स और जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये क्या है ये है एक वीकर फोर्स इनफैक्ट कितनी वीक इट इज वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर ये नेचर की सबसे कमजोर फोर्स है नेक्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो है इसकी मीडियम डिपेंडेंस और रेंज अब देखिए कि ये जो फार्मूला है एफ ई इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर इसमें k को फिजिकल मीनिंग देने के लिए हमने एक और कॉन्स्टेंट एप्सल नॉट की रेसिप्रोकल के तौर पे इसे एक्सप्रेस किया और साथ स्पेस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए फोर पाई लिखा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फार्मूले एफ जी इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर में हमने जी की जगह पे ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं लिखा लेकिन जरा कम्पेरिजन के परपज से हम लिख लेते हैं हम कहते हैं कि जी का फार्मूला एक और कॉन्स्टेंट के रसी के टर्म में है और ये भी स्पेस में थ्री में जुनेट होने की वजह से फोर पाई यहाँ पे लिखा जाएगा और इसके अलावा यहाँ पे एक्सल नॉट की जगह पे एक सेम वैसे टर्म लिख देता हूँ जिसे मैं ये सिंबल दे रहा हूँ और इसे साई नॉट का नाम दिया है अब इस जगह के ऊपर एप्सलेंट नोट किया था इट वॉज परमेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस सेम ऐसे ही यहां पे इस वैल्यू को भी मैं नाम दे रहा हूं परमेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लेकिन ये किस लिए है फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर फील्ड और ये किस लिए है फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट इज कंपेरेटिवली अ शॉर्टर रेंजिंग फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज कंपेरेटिवली अ लॉन्गर रेंजिंग फोर्स कितनी लॉन्गर रेंजिंग फोर्स है इट इज द लोंगेस्ट रेंजिंग फोर्स ऑफ नेचर क्योंकि स्पेस टाइम में जो इसका कर्वेचर जनरेट होता है वो लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ होता है इसकी लॉन्ग रेंज का अंदाजा आप इस बात से भी लगाइए कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सर्कल ये मिल्की वे गैलेक्सी को रिप्रेजेंट कर रहा है और मिल्की वे गैलेक्सी का जो डायामीटर है वो कितना है कि अगर आप यहाँ पे इस फमलेस इज इक्वल टू वी टी को पुट कीजिए और यहाँ से टाइम निकालिए एस ओवर वी के जरिए से तो जब आप यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हुए थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करते हुए इस डायमीटर को ट्रेस करोगे तो ये जो डिस्टेंस है ये इस कदर लार्ज होगा कि इसको ट्रैवल करने के लिए जो आपको टाइम लगेगा वो टाइम कितना होगा वो होगा वन हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स या फिर एक लाख साल उससे कोरोस्पोंडिंग इस फासले को हम कहेंगे जो कि रोशनी को ट्रेवल करने में एक लाख साल लगे हैं इस डिस्टेंस या फासले को हम कहेंगे वन हंड्रेड थाउजेंड सो इस कदर लार्ज स्केल का यह डिस्टेंस है और अगर आप बोर्ड से बाहर की तरफ से बोट के अंदर की तरफ जाएं इस गैलेक्सी में से गुजरें तो ये जो फासला होगा ये थर्टी थाउजेंड लाइटियर्स का होगा और जो सेंट्रल ब्लैक होल है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का उससे 50,000 थाउजेंड लाइटियर्स के फासले के ऊपर भी स्टार्स मौजूद हैं लेकिन इस सेंट्रल ब्लैक होल ने उनको अपनी ग्रेविटेशन पुल में अटैच किया हुआ है सेंटर से तकरीबन 30,000 थाउजेंड लाइटियर्स के फासले के ऊपर हमारा सोलर सिस्टम है और ये भी सेंट्रल ब्लैक होल ने बाइंड किया हुआ है सो so, नेचर की वीकेस्ट फोर्स होने के बावजूद इस कदर लॉन्ग रेंज है कि लाइट लाइटियर्स थाउजेंड ऑफ लाइट लाइटियर्स के फासले के ऊपर मौजूद ऑब्जेक्ट्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स में बाइंड हैं और ना सिर्फ इतना अगर मैं यहां पे इस तरह से दोबारा से मिल्की वे गैलेक्सी बनाऊ तो जो नेबरिंग गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी जिसके बारे में आपने फिजिक्स में भी साइड इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है इन दोनों नेबरिंग गैलेक्सीज के दरमियान में इस कदर लार्ज फासला है कि अगर आप ये रोशनी की स्पीड c इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड से ये डिस्टेंस तय करो तो आपको कितना टाइम लगेगा आपको 2.5 मिलियन ईयर्स या फिर 25 लाख साल लगेंगे इसी से आप इस हिसाब से क्या नाम देते हो आप इसको 2.5 मिलियन लाइट का नाम देते हो सो so, इतने लार्ज डिस्टेंस के ऊपर ये दोनों ग्लैक्सी मौजूद हैं और मजे की बात ये है कि ये भी आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड हैं और एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और अनकरीब टकराने वाली हैं कोलिजन कोर्स पे हैं और इनका टकराने में कितना टाइम रह गया है इसके टकराने में तकरीबन थ्री बिलियन ईयर्स बाकी हैं दैट मीन्स तीन अरब साल थ्री इंटू टेन टू द पावर नाइन ईयर्स बाकी हैं तकरीबन उसके बाद ये टकरा जाएंगी और टकराने के बाद एक जॉइंट गलेक्सी बनाएंगी दोनों गलेक्सीज के मैसेज का कॉम्पोजिट और इसका जो नाम प्रपोज किया गया है वो है मिल्को मिडा सो हमने यहां पे कंक्लूड किया कि किस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर की वीकेस्ट फोर्स होने के बावजूद लॉन्गेस्ट रेंज तक एक्ट करती है अब हम जरा मीडियम डिपेंडेंस की बात कर लेते हैं मीडियम डिपेंडेंस की बात करते हुए दोबारा से फार्मूलाज लिखते हैं सबसे पहले तो के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वेयर और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फार्मूला एफ जी इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वेयर अब k को किस तरह एक्सप्रेस किया गया है ओवर पाई नॉट के जरिए से और g की इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं है लेकिन कंपैरिजन के से मैं यहाँ पे ओवर पाई साई नॉट लिख रहा हूं. इस तरह से k की वैल्यू सब्सिट्यूशन करने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला वन ओवर फोर पाई नॉट एप्सिलू टू ओवर आर स्क्वेर बनेगा और जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है वो बनेगा एफ जी इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाई साइ नॉट एम वन एम टू ओवर आर स्क्वेर सो आप यहां पे जब आप दो चार्जेस के दरमियान में मीडियम प्लेस करते हो तो यहां पे एक टाइम आती है एप्सिलन आर एप्सिलन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है यहां पे भी एप्सिलन आर आएगा नतीजा क्या होगा कि मीडियम के केस में क्योंकि एप्सलन आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन होती है इलेक्ट्रोसेटिक फोर्स को कम कर देता है कोई मीडियम दोनों चार्जेस के दरम्यान में प्लेस किया हुआ सो एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर वन से बड़ी होगी तो के की वैल्यू में कमी आ जाएगी जब के की वैल्यू में कमी आएगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होगी वो भी कम हो जाएगी इसी तरीके से अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूले में या टर्म साई आर प्लेस करें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी तो एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में ये बात कंक्लूड होगी कि किसी भी मीडियम को प्लेस करने से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए हर हाल में इसकी वैल्यू वन ही रहेगी सो so, ना इसमें कोई तब्दीली है ना ही इसमें कोई तब्दीली है जब जी में कोई तब्दीली नहीं तो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी कोई तब्दीली नहीं है So इसका मतलब है जो कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट इज मीडियम डिपेंडेंट ये कोई मीडियम प्लेस करने से कम हो जाती है और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज मीडियम इनडिपेंडेंट दो मैसेस के दरम्यान में कोई मीडियम प्लेस करने से उनके दरम्यान में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता सो so, यहां तक हमने अपने आज के दोनों टॉपिक्स बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं अब हम जरा इसको अप्लाई करने के लिए एम प्रैक्टिस कर लेते हैं आज का हमारा पहला एम है थर्टी फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वी टू सो अगर ये एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इसकी वैल्यू 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है आप इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन की जगह पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करेंगे और कूलम वोल्ट मिलके जूल बन जाएंगे और आंसर कितना होगा ये होगा 56 सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर माइनस नाइनटीन जूल और अगर आप डेसिमल को एक पॉइंट पीछे मूव कर दें तो आप एक पावर को जस्टिफाई कर देंगे ये बन जाएगा 5.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर माइनस एटीन जूल तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट है नहीं यहां पे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है जबकि हमारा आंसर जूल्स में है तो सिंपल सी बात है इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिर्फ थर्टी फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल ही हो सकता है अगर यहां पे में होती फिर ये ऑप्शन करेक्ट होती इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी फाइव जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू यहां पे भी आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है सो हमें अब कन्वर्जन करनी है थर्टी फाइव जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है सो इसके लिए हम ये बात जानते हैं वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है वो 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर माइनस नाइन जूल के बराबर होता है और वन जूल वन ओवर 1.6 टू माइनस नाइनटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है तो आप ये सब्सिट्यूशन इस जूल की जगह पे कर दीजिए एनर्जी बनेगी 35 फाइव इंटू ओवर 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या फिर थर्टी फाइव इंटू सिक्स टू फाइव इंटू टेन रेज टू पावर एटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आंसर होगा टू वन एट पॉइंट फाइव इंटू टेन रेज टू पावर एटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स फर्दर आप इसे लिख सकते हैं यू इज इक्वल टू टू पॉइंट वन एट फाइव इंटू टेन रेस टू पावर टू जो आपने डेसिमल दो पॉइंट इधर मूव किया है उसके लिए टू लगाया है और साथ टेन टू पावर एटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले ही मौजूद है अब 10 की powers ये ये की होंगी बनेगा इट इज डी टू पॉइंट वन नाइन इंटू टेन रेस टू पावर

और चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्यू नॉट डेल्टा भी होता है क्यू भी लिख सकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन भी सेम यही होगा नॉट नॉट डेल्टा वन है प्लस e, और पोटेंशियल डिफरेंस है टेन सो आंसर होगा टेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज ऑप्शन डी अगर आपसे जूस में पूछा जाए तो आपने फर्दर यहां पे ई e की जगह पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेना है माइनस नाइनटीन

तो डेल्टा भी उस तरफ ले जाके डिवाइड कर दें ये बनेगा डेल्टा के ई ओवर डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू नॉट या फिर क्यू नॉट इज इक्वल टू डेल्टा के ई ओवर डेल्टा वी वैल्यूज़ पुट कीजिए फोर पॉइंट एट इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस सेवनटीन जूल्स ओवर पोटेंशियल डिफरेंस है हंड्रेड वोल्ट फर्दर 4.8 into 10 raised to power minus 17 divided by 10 raised to power 2 joules per volt, or 4.8 into 10 raised to power minus 17 and minus 2 joules per volt, or Q naught is equal to 4.8 into 10 raised to power minus 19 joules per volt, or coulomb. तो अभी तो ऑप्शन ए करेक्ट लग रही है लेकिन जरा बाकी ऑप्शंस भी टेस्ट करते हैं अगर मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करूं और इसे लिखूं 4.8 पॉइंट एट इन टू टेन रेज टू पावर माइनस टेन माइनस नाइन तो ये बन जाएगा 4.8 पॉइंट एट इंटू टेन रेज टू पावर माइनस टेन इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइन कुलम और इसको मिला के हम नैनोकुलम लिखेंगे ये बनेगा फोर पॉइंट एट इन टू टेन रेस टू पावर माइनस टेन नैनोकूलम तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है तो यकीन ये भी करेक्ट होगी जरा हम इस इक्वेशन को थ्री से डिवाइड करके देखते हैं कि जो क्यू नॉट की वैल्यू आई है अगर इसको थ्री से डिवाइड करें तो क्या बनेगा एट इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन डिवाइडेड बाई थ्री ये आंसर बनता है 1.6 टू पावर कूलम और अगर मैं यहां पे Q नॉट की वैल्यू को डिवाइड कर दू 4.8 पॉइंट एट इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन कोलम को वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन कूलम चार्ज कैरिड पर इलेक्ट्रॉन तो आंसर कितना आएगा आंसर आएगा थ्री ई के बराबर सो ऑप्शन सी भी करेक्ट है तो so इसका मतलब है कौन सी ऑप्शन हैं ऑल ऑफ दीज सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन टू चूज नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ओबेज इनवर्स लॉ तो सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स है उसका फॉर्मुला क्या होता है वो होता है एफ जी इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वेयर तो ये तो इनवर्स स्क्र लॉ को फॉलो करता है दूसरा फार्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्र तो ये भी इनवर्स स्क्र लॉ को फॉलो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी बारी है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है वो होता है के क्यू ओवर आर स्क्वेयर तो ये भी इनवर्स लॉ को फॉलो करता है ये तीनों टर्म्स ही स्पेस में थ्री डायमेंशन में एक्स वाई और जेड तमाम डायरेक्शन में इक्वली एक्ट करती हैं और उसके बाद नेक्स्ट है जो टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका एक्सप्रेशन है वी इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर ये इनवर्स लॉ को फॉलो कर रहा है ये थ्री डायमेंशनल नहीं होता ये टू डायमेंशनल होता है सेम वैसे जिस तरीके से किसी पानी की सरफेस के ऊपर आप कोई स्टोन फेंकते हैं तो वहां पे जो रिपल्स जनरेट होते हैं वो पानी की सरफेस के अलाम टू डाइमेंशनली प्रोपेगेट करते हैं तो इस पोटेंशियल की सेंस भी सेम वही है सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ये हमारा आज का लास्ट एम था आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा सो so, ये था आज का हमारा लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा time, खुदा हाफिज